गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का आपका ये है आपका सेनाई वादक जो है हमारे। कौन है सेनाई वादक? बिस्मिल्ला खां। द सेनाई ऑफ बिस्मिल्ला खां का थर्ड पार्ट लेकर के हम आपके सामने आए हैं और आशा करते हैं कि इसे आप लोग बड़े अच्छे से समझेंगे और ये भी चाहते हैं कि आप लोग इसे बड़े अच्छे से समझते रहें। आप लोगों को जैसे बताया गया था, वास्तव में जो उस्ताद बिस्मिल्ला खां हैं तो ऐसे सेनाई वादक आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे। वास्तव में उन्होंने ऐसी सेनाई भेजाई है कि सब लोग उसका आज भी गुणगान करते हैं। चलिए देखते हैं उसको आगे क्या कहते हैं। तो उसने कहा था, बॉर्न ऑन द 21 मार्च 1916 द बिस्मिल्ला बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम बिहार। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द सेनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। हिज फादर द पैगंबर बख्श एंड अदर द पैटर्नल द एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर। देखिए वर्ड में देख लेते हैं, तो एंसेस्टर हमारे पूर्वज होते हैं, फोर फादर्स भी बोलते हैं। तो देखिए उसने क्या कहा, बॉर्न ऑन 21 मार्च यानी कि 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्ला खां का जन्म हुआ था। कब? बिस्मिल्ला खां का जो जन्म हुआ था वो 21 मार्च 1916 में हुआ था। और उसने ये कहा कि बिस्मिल्ला खां बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली और बिस्मिल्ला खां जो एक फैमिली ऑफ द म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। तो ये भी उसने कहा कि जो बिस्मिल्ला खां थे वो बिलोंग करते थे कौन सी फैमिली से, ये म्यूजिशियन फैमिली से वो बिलोंग करते थे। तो म्यूजिशियन फैमिली है तो संगीतज्ञ के परिवार से वो बिलोंग करते थे। मतलब ये कहना है कि 1916 में, तो 1916 में बिहार के सुप्रसिद्ध संगीत परिवार में उनका जन्म होता है। यानी कि बिस्मिल्ला खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के सुप्रसिद्ध संगीत परिवार में उनका जन्म हुआ था। देखिएगा तो हिज ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी थे, उसके दादाजी रसूल बख्श, उसके दादाजी कौन थे? रसूल बख्श खां, वो कहते वाजा सेनाई नवाज। वो क्या थे? सेनाई नवाज से, सेनाई वाज थे। कहां पर थे ये? ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट, एक भोजपुरी राजा के दरबार में एक क्या थे? सेनाई नवाज थे। आगे कहा तो हिज फादर, उसके पिता पैगंबर बख्श, और उसके जो पिता थे वो पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और जो उसके दूसरे जो अन्य जो पूर्वज थे, या एंसेस्टर का मतलब पूर्वज की बात कर रहा हूँ, और पैटर्नल और जो दूसरे उसके पूर्वज थे, तो वर आल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर। तो वो क्या थे? अन्य पूर्वज उसके महान सेनाई वादक थे, जो उसके अन्य पूर्वज भी थे तो वो भी सेनाई के बड़े ही अच्छे वादक थे, सेनाई वादक थे। देखिए फिर आगे क्या कहते हैं, उसने कहा क्या कहते हैं, द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ द 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ द वाराणसी। द बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड द वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस हिज सेनाई। सून द बिस्मिल्ला द स्टार्टेड अकंपेनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सेनाई। द अली द बख्श वुड प्ले द सेनाई एंड द बिस्मिल्ला would sit captivated for hour on end slowly. So he started catching the lesson not playing the instrument and would sit practicing the throughout the day the 4 years to one come to temple of the Balaji and Mangla Maya and the bank of the Ganga da became the young the apprehensive the favorite the haunt where he would practice in the solitude the flowing the water of the Gangas inspired him to improve and then invent the rags that were earlier thus considered to be young
टू बियॉन्ड बियॉन्ड द राग रेंज ऑफ द सेनाई। तो उसने क्या कहा, देखिए वर्ड मीनिंग को पहले देख लेते हैं क्या कहते हैं। फेंसी नेटिन उमिसोतामारा अट्रैक्ट मतलब आकर्षित हुआ और कंपेनी का मिसोतामा गोइंग टू द कंपेनी ऑफ द, इसका मीन्स होता है साथ साथ जाना ऐसा हम बोलते हैं। और कैप्टिव का मतलब होता है चार्मिंग यानी कि मंत्र मुग्ध हो जाना। ऑन द एंड और अंत में फॉर और लॉन्ग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट द स्टॉपिंग बहुत लंबे समय तक लगातार कार्य जो कार्य करता रहता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑन एंड। और अप्रिसेंटिस का मीन्स होता है हमारा लीनिंग लर्नर जिसे बोलते हैं नौ सखिया जो सीखने वाले तो वो लर्नर होते हैं हमारे। तो हॉन्टेड हॉन्टेड का मीनिंग हमारा होता है प्लेस द फ्रिक्वेंटेड तो इसका मीन तो ऐसे स्थान जहाँ बार बार जाना हो। और सॉलिट्यूड का मीन्स होता है लोनली लैस इसे बोलते हैं हम लोग एकांत, क्या बोलते हैं इसे हम एकांत बोलते हैं। और इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड का मीन्स हमारा होता है जब प्रेरित किया जाए यानी कि एक्टिवेटेड किया गया उसको प्रेरित किया। और इम्प्रोवाइज का मीन्स होता है हमारा क्रिएट एंड परफॉर्म तत्काल संगीत सुनना इसे बोलते हैं। और राग जो होता है हमारा रागाज जो होता है पैटर्न्स ऑफ नॉट इन इंडियन म्यूजिक ये राग होता है इसे राग बोलते हैं हम लोग। बियॉन्ड द रेंज रेंज का मीन्स हमारे यहाँ बुलाया गया है आउट ऑफ द फील्ड सीमा से परे होना। तो देखिए चलिए द यंग ऑफ द बॉय यंग का मीन्स हमारा छोटे बालक की वो बात का जब लड़की की बात का जब वो छोटा लड़का था तो टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ तो छोटा जो लड़का था उसका बचपन से ही संगीत सीखने में लग गया था मतलब वो जो था उसने संगीत को अपने जीवन में उतार लिया था छोटे से ही तो संगीत को सीखने लगा छोटे से ही उससे मतलब उसे ज़्यादा इंटरेस्ट था एट द एज ऑफ 3 जब उसकी 3 साल की उम्र थी मतलब 3 साल की उम्र में का था उस समय। तो हिज मदर वैन में जब हिज मदर उसकी माता टुक हिम इनटू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस नाउ द वाराणसी। देखिए जब क्या उसकी एज केवल 3 साल की थी तो उसकी माता जी उसको मटेर अंकल के घर उसको ले गए। मटेर अंकल के मतलब होता मामा के घर तो उसके मामा के घर वो उसको लेकर गई जो कि बनारस में बनारस इन इन बनारस जो कि अब कहाँ है वाराणसी में है बनारस कहाँ है ये वाराणसी में। तो बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस इन द सेनाई। अब बिस्मिल्ला खां बड़े ही फैसिनेटेड हुए और वॉचिंग हुए मतलब देख करके किसको अंकल्स प्रैक्टिस जो अंकल उसके प्रैक्टिस कर रहे थे सेनाई की तो अभ्यास कर रहे थे तो उसको देख करके बड़े ही फैसिनेटेड मतलब आकर्षित कह सकते हैं उसके हम लोग या भावुक कह सकते हैं। फैसिनेटेड का मतलब होता आकर्षित होना तो बहुत ज़्यादा वो आकर्षित हुए फैसिनेटेड का मतलब होता आकर्षित होना। किससे आकर्षित हुए थे कि जब उसके मटेरियल अंकल जो थे जब सेनाई को बजा रहे थे सेनाई की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्हें देख करके उन्हें बहुत ज़्यादा इस तरह से लगने लगा कि भाई मुझे अब मुझे भी ऐसे सीखना है कि जैसे वो बजा रहे हैं। तो सून मतलब जल्दी ही बिस्मिल्ला स्टार्टेड बिस्मिल्ला ने शुरू कर दिया था अ कंपेनियन हिज अंकल अब उसने अपने जो अंकल थी उसकी जो संगति थी कंपेनियन का मीन्स होता है हमारा एक साथ जाना एक संगति भी कह सकते हैं हिज अंकल। तो उसने अपने अंकल की संगति को शुरू कर दिया था उनके साथ जाना शुरू कर दिया था। तो अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस और अली बख्श भी जो थे तो विष्णु टेम्पल में वो बनारस में जो है वो वहाँ जाया करते थे। तो वहाँ पर जो बक्स वाज एम्प्लॉयड जो बक्स जो थे वहाँ पर एक एम्प्लॉय थे वो नौकर थे टू द प्ले वहाँ बजाने के लिए या खेलने के लिए द सेनाई वो सेनाई बजाने के लिए वहाँ एक एम्प्लॉय नियुक्त किए गए थे। तो उन्हें वहाँ वो एक प्रकार वो सेनाई को बजाया जाता था उन्हें बजाने के लिए वहाँ लगा रखा था। तो अली बख्श वुड प्ले अली बख्श जो थे वो खेलते थे द सेनाई से एंड बिस्मिल्ला भी वुड सीट और बैठ जाते थे जब वो सेनाई वो बजाते थे तो बिस्मिल्ला भी वो बैठ जाते थे और वो क्या करते थे कैप्टिवेटेड। देखिए कैप्टिवेटेड का मीनिंग हमने आपको बताया था मंदमुग्ध हो जाना फॉर आवर द एंड और अंत में वो क्या हो जाते थे वो बिल्कुल मंदमुग्ध हो जाते थे। और द स्लोली मतलब धीरे धीरे उसने स्टार्टिंग कर दिया गेटिंग द लेसन द प्लेइंग उसने भी धीरे धीरे उसको मतलब खेलना मतलब उसको क्या सीखना उनको इंस्ट्रूमेंट को उसने भी शुरू कर दिया था क्योंकि जब बच्चे का मन लगता चला जाता है तो वो उसी इंस्ट्रूमेंट को जो है खेल मतलब बजाना चाहता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस काम को करने एक बार लग जाता है तो उसी काम को करता है। तो इस प्रकार उन्होंने भी वो काम करना शुरू कर दिया मतलब वो भी उन्होंने भी उसको खेलना
शुरू कर दिया, उसको बजाना शुरू कर दिया, किसको, उस इंस्ट्रूमेंट को। तो वुड सिट प्रैक्टिसिंग, तो वो उसके साथ प्रैक्टिस करते थे बैठ करके थ्रू द डे, यानी कि पूरे दिन वो उसकी बैठ करके प्रैक्टिस करते थे, उसका अभ्यास करते थे। तो फॉर ईयर्स, यानी कि फॉर ईयर्स, सालों तक, कम टू द टेम्पल, वो आते रहे उस मंदिर में, ऑफ द बालाजी, वो बालाजी के मंदिर में, एंड मंगला मैया के मंदिर में वो आते रहे, एंड द बैंक ऑफ द गंगा, और जो गंगा के किनारे, और बिकेम, उनका मतलब तो हो गए थे द यंग यंग अप्रिसेंटिव, या अप्रिसेंटिव का मतलब नौ सखिया, द फेवरेट हंट, द फेवरेट का मतलब पसंदीता, और हंट्स, और देखिए हंट, हंट का मीन्स हमारा होता है यहाँ पर एक ऐसा स्थान जहाँ बार बार जाना अच्छा लगता, तो वो एक ऐसा समझो उनका एक फेवरेट हो गया था, तो उन्हें बार बार जाना वहाँ अच्छा लगता था। तो ही वुड प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस करते थे इन द सोलिट्यूड, अब वो सोलिट्यूड में अंदर एकांत में वहाँ पर वो प्रैक्टिस करते थे, द फ्लोविंग, उस बहते हुए, द वाटर, पानी में, ऑफ द गंगा, गंगा के उस बहते हुए पानी में वहाँ पर अपना प्रैक्टिस करते थे, और इंस्पायर्ड, और प्रेरणा लेते थे, मैंने उसको टू प्रेरणा देते थे उसको टू इम्प्रोवाइज, यानी कि उसमें इम्प्रूव आता था, और एंड मिस और इवेंट द राग्स, और उनके जो राग होते थे उसमें बड़ा ही इम्प्रूव आता था, दैट वर अर्लियर, वो पहले से ही कंसिडर्ड टू बी या टू बियॉन्ड द राग ऑफ द सेनाई। तो वो कहना चाहते हैं कि उस कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का मतलब विचारक कहते हैं, और बियॉन्ड, उसके विरुद्ध द राग के, वो सेनाई के, तो उनके जब वो पहले से ही वो क्या थे, वो कहना चाहते हैं, देखिएगा उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, वो तो पहले से ही कि वे सेनाई के द्वारा नहीं साधे जा सकते थे, वो ऐसा नहीं थे, तो ये सब चीज़ें उसको बताई गई। तो देखिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं उसमें, एट द एज, जब उनकी उम्र एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्ला कंपेनियन, यानी कि जब वो कंपेनियन इज अंकल टू अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एट, तो देखिए उसने कहा एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, द उस्ताद फयाज खान द पेटिक द यंग बॉय बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड सेनाइज प्लेयर ऑन रेडियो। देखिए जब उसकी उम्र केवल कितनी थी, उसकी उम्र 14 साल की थी बिस्मिल्लाह, तो उस समय अपने अंकल के साथ में वो था तो अलाहाबाद, तो वो कहाँ गए थे, अपने मामा के साथ अलाहाबाद में गए थे संगीत सम्मेलन में, वहाँ पर एक म्यूजिशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में वो अलाहाबाद उनके साथ गए थे, उसकी उस समय कितनी एज थी, उस समय वो 14 साल के थे। तो एट द एंड और अंत में क्या होता है, रियल इज रिसाइटिंग, तो रिसाइट, देखिए रिसाइटल मीन्स होता है हमारा संगीत वादन, और अंत में क्या हो गए थे वो एक उसके संगीत वादक, तो उस्ताद फयाज खान पेटिट, तो उस्ताद फयाज खान ने पेटिट का मतलब पीठ को थपथपाना था, यंग बॉय, उस या छोटे लड़के की पीठ को थपथपाया, बैक का मतलब पीठ को, एंड सैड और कहा वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट कि तुम इसको प्राप्त कर लोगे, तुम इसको कर सकते हो, तो विद मी साथ में द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, तो उसने कहा विद मी साथ में ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब था आरंभ होना में, ऑफ द अली ऑल इंडिया रेडियो, जब उन्होंने सब ओपनिंग का मतलब खोलना द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, तो उसने कहा कि लखनऊ 1938 की बात कर रहा, लखनऊ में ऑल इंडिया रेलवे स्टेशन जब चालू हुआ, जब खोला गया, वो केम द बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, तो बिग उसने कहा बिस्मिल्लाह खा के जीवन में बदलाव आया, और क्या हुआ था, जब उस समय बिस्मिल्लाह खा के जीवन में बड़ा बदलाव आया, कब आया कि जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का जब चालू हुआ था, तो उस समय बिस्मिल्लाह खा के जीवन में बड़ा बदलाव आया, और शीघ्र ही यानी कि ही सून वह जल्दी ही बिकेम का मतलब तो हो गए थे, एंड ओपन द हार्ट द सेनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो बहुत जल्द ही वो क्या हो गए थे, एक सेनाई के एक वादक के रूप में बहुत सुना जाने लगा, यानी कि उन्हें बहुत जल्द एक सेनाई के प्लेयर के रूप में उन्हें बहुत ज़्यादा सुना जाने लगा, वो कहना चाह रहे हैं उसको रेडियो पर सेनाई वादक के रूप में
बहुधा सुना जाने लगा। बहुधा का मतलब बहुत ज़्यादा उसको सुना जाने लगा, मतलब सब लोग उसको पसंद करने लगे। किसको वो बात कर रहे हैं कि वो जो हमारे सैन्य वादक थे, तो उनको हर लोग हर तरह से उसको सुनने लगे, बड़ा अच्छा लगने लगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आशा करते हैं कि आपको लोग बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। आपसे वालिदा चाहते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।